लला हुकम चंदन पार्क उमरा रोड हासी को आज पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। पूरी सुरक्षा के बीच हासी के विधायक विनोद भैना पार्क में पहुंचे और पार्क के अंदर लगाए गए फारे और म्यूजियम का बटन दबाकर उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में लोगों की संख्या भी अधिक देखी गई। इतना ही नहीं, विधायक विनोद भैना के साथ हासी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत, नगर परिषद के ईओ संजय रोहिला, चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सानी, भाजपा नेता अशोक ढालिया सहित काफी संख्या में बीजेपी के नेता भी नजर आए। आपको बता दें, विधायक विनोद भैना ने हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में कहा कि शहर को एक ये तोहफा दिया है, हरा भरा शहर नजर आए, पार्क में जो भी लोग आए और उनको एक नई चीज देखने को मिले। इतना नहीं, विधायक ने ये भी कहा, शहर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो लोग मुझे बता सकते हैं और उसका तुरंत हल किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं लला हुकम चंद जन पार्क में। आपको बता दें कि पार्क के बाहर कुछ देर पहले भारी पुलिस बल थी और विधायक विनोद भैना भारी पुलिस बल के साथ यहां पहुंचे पार्क में। आखिर पुलिस फोर्स के साथ क्यों पहुंचे, ये भी आपको बता दें कि अंदेशा था किसान यहाँ पहुँच जाए, कभी किसान यह विरोध ना करते, उसी के चलते आज भारी पुलिस बल के साथ यहाँ बटन दबाने के लिए पहुंचना पड़ा इनको। पार्क में जो वो लगाया है फारे का, आज वो बटन दबाया गया है, उसके लिए पुलिस फोर्स के साथ विधायक विनोद भैना पहुंचे हैं। उनके साथ हासी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सानी, ईओ संजय रोहिला सहित तमाम विभागों के अधिकारी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं पूरी तस्वीर। हम विधायक विनोद भैना से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी विधायक वो इधर की साइड आने लग रहा है, लेकिन ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का फर्क कहीं असर दिखाई दिया है। किसान आंदोलन के चक्कर में विधायक को रात के अंधेरे में आना पड़ा, लेकिन ये तो तय है कि फारे रात को ही दिखाई देता है, फारे जो स्टार्ट होता है रात को ही बटन दबाया गया, लेकिन भारी पुलिस बल पहले बुलाई गई, पूरा घेराबंदी की गई, सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात किया गया। यहाँ CIA पुलिस, CT पुलिस, PCR की गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियों को यहाँ बुलाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं व्यवस्था देखी गई, उसके बाद विधायक विनोद भैना यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने बटन दबाया है और उसके बाद सिग्नेस किया गया, फरा शुरू किया गया। इसके साथ आपको बता दें कि अपने समर्थकों की भी संख्या काफ़ी इनकी देखी गई है, लगातार जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आप तक शेयर कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी मुँह पर मास्क लगाए हुए हैं, कितना पालना की जा रही है कोरोना काल की, ये आपको दिखा सकते हैं। विधायक विनोद भैना यहाँ आ रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। विधायक विनोद भैना साथ में SDM डॉक्टर जितेंद्र रावत भी है, BJP के कुछ पदाधिकारी भी साथ है, EO भी है नगर परिषद के। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इतनी भीड़ के साथ इनको आने का क्या मकसद था, क्यों फोर्स बुलाई गई, हम ही जानने का प्रयास करेंगे। विधायक जी राम राम। बड़ी पुलिस फोर्स से आता है आप, ये सैर करने के लिए आया, इवनिंग वॉक करने के लिए, मेरे साथ नहीं आए। नहीं, आपके साथ देखा गया है? नहीं नहीं, काफी पुलिस तैनात की गई आज आपको आने के लिए, आपको लाने के लिए बहुत पुलिस आई है साथ। ऐसा है कि किसान आंदोलन का फर्क तो नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विधायक जी क्या लग रहा है, पार्क का उद्घाटन पहले हो चुका है, आपने कर दिया था CPS के टाइम में? पार्क का उद्घाटन नहीं किया हमने, इसका जो जीर्णोद्धार किया उसका उद्घाटन किया, और विशेष तौर पे ये म्यूजिक सिस्टम आप देख रहे हैं पहली बार लगा है, ये भजन सुनो पहले तो, ये फुहारा चल रहा है ये देखो। तो विधायक जी एक लाइट बंद पड़ी थी, आपने नजर भी गई है उस पर? हाँ, मैंने बता दिया लाइट जल्दी ठीक करवाएंगे, बोल दिया मैंने, ईओ साहब को बोल दिया, SDM साहब को बोल दिया। क्या व्यवस्था और करोगे इस पार्क में जी, आप बताइए, इसमें कमियां बताइए, जो कमियां रह गई वो सारी हम पूरी करेंगे। एक बैठने के लिए हाल भी होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ। नहीं, पार्क में कभी हाल नहीं होते, कोई बरसात बरसात आ जाए, कोई बाहर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, छतरियाँ हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं। लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? हाँ, लाइट एरिया में पीने के पानी की समस्या आ रही है जी विधायक जी,
कोई नहीं, की बात कर ले सर की विधायक की समस्या सर पीने के पानी की समस्या आप मुझे इलाका बताइए और जिस इलाके में समस्या है आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि उनको कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे विधायक विनोद भैरव ने साफ तौर पर कह दी कहीं भी पानी की समस्या है किसी प्रकार की समस्या वो मुझे बताए तुरंत हल किया जाएगा, कहीं ना कहीं एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की लाला कमचंद पार्क से खास रिपोर्ट। आज फिर आया साहिल मेहना साथ में।